हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माइक न्यू सॉल्यूशन पर। आज की जो वीडियो है BSOC 184, यानी कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने जुलाई 2023 के सेशन में एडमिशन लिया है और साथ ही जो जनवरी 2024 में एडमिशन लेने वाले हैं। अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं तो आपके पास उस समय ये सब्जेक्ट कोड होता है, तो अभी से आप इस वीडियो को सेव करके रखें, क्योंकि आने वाले टाइम पर यानी कि जब आपके असाइनमेंट सबमिट करने का टाइम आएगा, जब आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिट होने वाली है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे आप इस असाइनमेंट्स को रेडी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है असाइनमेंट्स रेडी करना। अगर आप लोगों को फर्स्ट टाइम असाइनमेंट बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट बहुत से लोगों को असाइनमेंट बनाने में दिक्कत आती है, यानी परेशानी होती है और बहुत से डाउट्स होते हैं। अब आप लोग सोचते हैं कि कैसे असाइनमेंट बनाना है और कैसे सबमिट करना है और आंसर लिखने हैं, कैसे तरीके से लिखना है, क्वेश्चन क्या लिखना है, बहुत सी चीज़ें होती है जो एक एज अ स्टूडेंट्स के मन में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। जो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिए, अगर बीच में आपने स्किप कर दिया या तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या बोला, तो इसलिए आपको पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखना है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं अपने असाइनमेंट पर। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा असाइनमेंट शुरू होता है। तो असाइनमेंट शुरू करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा, बट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस को मैच करें और फिर आंसर लिखना शुरू करें। हाँ, तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप हमारे इस वीडियो पहले की वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही अगर अभी भी आपको वो वीडियो नहीं मिलती है तो क्या कर सकते हैं, आप MA असाइनमेंट सर्च करके आप असाइनमेंट यानी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं इस तरीके से आपको लिखने हैं, यानी कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। अगर आप कौन से भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का क्वेश्चन लिखते हैं, यानी कि जो ज़्यादा वर्ड्स में हो या ज़्यादा मार्क्स का हो, उन क्वेश्चन का आंसर हमेशा आप इंट्रोडक्शन, जो आपका पॉइंट्स होते हैं उसको क्लियर कीजिए और साथ में लास्ट में आपका कंक्लूजन होना चाहिए। तो इसी पैटर्न का यूज़ करके आप अपना आंसर लिखिएगा और लास्ट में जो शॉर्ट नोट्स होते हैं यानी कि जो कम मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में आंसर या एक पैराग्राफ की तरह आप लिख सकते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स अगर आप इस वीडियो की मदद से आंसर लिखते हैं तो आप इस वीडियो की मदद से आंसर लिखिए और साथ ही अपने वर्ड्स को ज़रूर ऐड करें। अगर आप अपने वर्ड्स को ऐड करते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स और ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे और फिर आपको जो कंटेंट होगा यानी कि जो असाइनमेंट्स में आप आंसर लिखेंगे, फिर कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपके पास टाइम नहीं है, यानी कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता कि असाइनमेंट्स रेडी करें या फिर एग्ज़ाम्स के लिए एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाते, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप व्हाट्सएप करके आप अपना सब्जेक्ट कोड भेज सकते हैं। अगर आपको असाइनमेंट्स बनवाने हैं तो भी आप अपना सब्जेक्ट कोड भेजिए, या फिर अगर आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आपको गेस्ट पेपर या नोट्स या प्रोजेक्ट वगैरह की नीड होती है तो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।
तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आज की जो वीडियो थी यहाँ तक फिनिश होती हैं। मुझे यकीन है आज जो भी मैंने आपको समझाया अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स है या फिर मेरे बोल आपको समझ नहीं आया या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी और साथ ही जो भी आपका क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन दूंगी। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे ऐसी ही वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को बजाना ना भूलें।